कमरिया पथ का भ्रमण किए थे। मलमास के दौरान एक्चुअल में कंवरिया की संख्या कम रहती है, इसलिए निरीक्षण में कमी आ गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे सेकेंड फेज सावन का आ रहा तो हम लोग कंवरिया पथ पर अभी डेली कंटिन्यू विजिट करेंगे। आज निरीक्षण के क्रम में पेपर में पहले से भी पब्लिश हो रहा था कि कुछ जो टोबैको फ्री जोन है उसमें टोबैको का यूज कर रहे हैं, तो हम लोग इसको आज सघनता से जाँच कराए हैं, स्पेशली मनिया से कुमारसार वाले रीजन में और मनिया से गोगाचक के बीच वाले एरिया में भी हम लोग कराए हैं। उस पर लगभग हम लोग 2 लाख के अराउंड कॉस्ट होगा उसका। हम लोग टोबैको हम लोग सीज किए हैं और अनुमंडल परिसर में उसको जब्त नष्ट किया गया है। के लिए हम लोग सारे जो भी संबंधित पदाधिकारी हैं और जो भी टेंट वेंडर्स हैं उनके साथ हम लोगों का कम्युनिकेशन हुआ है और कल एक मीटिंग भी बुला रहे हैं उसमें फिर से, क्योंकि बीच में मलमास में संख्या कम रहती है तो तैयारी हम लोगों का बीच में ठीक था, कम तैयारी के बीच भी चल रहा था, लेकिन अब ज़्यादा तैयारी करना होगा और जिस तरीके से फर्स्ट फेज में हम लोग किए थे उसी तरीके से सेकेंड फेज में करेंगे। जैसे आज हम लोग कुछ ट्यूबलाइट्स पाए जो कि फंक्शनल नहीं थे, तो तुरंत उन लोगों को निर्देशित किया गया कि कल तक सारा जितना ट्यूबलाइट है उसको ये कराएंगे। बीच में हैवी रेनफॉल के कारण कुछ स्वास्थ्य शिविर और पुलिस शिविर के में भी कुछ त्रुटियां हुई थी क्योंकि कुछ नष्ट हो गए थे, उसको भी हम लोग कहें कि कल तक उसको सारे चीज़ों का रिपेयर कराएं के अच्छे तरीके से हम लोग तैयार करेंगे, जिस तरीके से हम लोग फर्स्ट फेज में कराए थे उसी तरीके से। उसके साथ ही सूचना केंद्र तो हमेशा फंक्शनल रहा है। प्राइस लिस्ट भी बहुत सारे दुकान में ये पाया गया कि या तो फट गया है या हट गया, क्योंकि बीच में थोड़ा सा मानसून के कारण हैवी रेनफॉल में बहुत सारी चीज़ें नष्ट हुई है, इसको हम लोग पुनः लगा रहे हैं। बहुत सारे जो पोस्टर बैनर अन्य अन्य डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया था वो भी कुछ जिनसीन अवस्था में पाया गया, सारे लोगों को कम्युनिकेट किया गया कि वो वहाँ पर नए फ्लेक्स लगाएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगला 1-2 दिन में जो एक तैयारी एक हैवी क्राउड को फेस करने रहता है वो हम लोग उस मोड में रहेंगे। अभी कंवरिया की संख्या 10% है तो हम लोग अभी किसी तरीके से कंवरिया को परेशानी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में क्योंकि क्राउड बढ़ेगा तो हम लोगों का तैयारी बेहतर होना चाहिए और इसके लिए हम लोग कल बैठक भी सारे जो भी स्टेक होल्डर हैं CO हैं BDO हैं और जो भी वेंडर्स हैं और मजिस्ट्रेट, ये भी आप लोग आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि बीच में हम लोग जो मजिस्ट्रेट है उसको हम सेकेंड फेज के लिए चेंज करेंगे। अभी बहुत ही पंचायत स्तरीय पदाधिकारी या उसके समकक्ष वाले को हम लोग लगा रहे थे क्योंकि क्राउड की संख्या कम थी, अब एक्सपेक्टेड है क्राउड की संख्या बढ़ेगी तो हम लोग प्रखंड स्तरीय जो भी पदाधिकारी हैं उनकी प्रतिनियुक्ति हम लोग करेंगे।